बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू हाउ कैन यू मेक पर्सनल मंथली बजट। देखिए, पर्सनल मंथली बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने पूरे महीने का जो बजट है वो कैसे बनाएंगे, यानी आपके पास कितनी इनकम आई और क्या क्या एक्सपेंस वो जो डिफरेंट सूरत में हुए हुए हैं, उन सब के मैंने चार्ट बनाए हुए हैं आपको इजीली समझाने के लिए। और आपका काम इजीली कि हर कोई बैठ कर ये पर्सनल मंथली बजट बना सके, उसके लिए मैंने ये डिफरेंट जो है हेडिंग्स टाइप की हुई है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड मंथली इनकम। प्रोजेक्टेड कहते हैं, देखिए, मंसूबा बंदी, किसी चीज़ का तजवीज़ करना, सोचना। हमने देखे दो हेडिंग्स शो की हुई हैं कि हमने सोचा यानी मंसूबाबंदी की कि हमारी मंथली इनकम इतनी होगी, और एक्चुअल मंथली इनकम जो हमारी एक्चुअल मंथली इनकम हुई। अब देखिए, प्रोजेक्टेड मंथली इनकम में इनकम वन जो आपके पास जॉब से आई है, कोई भी जो जराए है आपके जो अर्निंग का, तो उससे जो आपकी इनकम आई वो हमने यहाँ 2500 लिखी है, ये हमने फर्ज की है। एक्स्ट्रा इनकम ओवर टाइम के जरिए आई या कहीं से भी आपका जो है रेंट आता है, ये एक्स्ट्रा इनकम एक्स वाई जेड सबकी अलग अलग होती है, वो जहाँ से जिस जो भी है वो आपने यहाँ लिखी। अब टोटल मंथली इनकम जो आपने प्रोजेक्टेड मंथली इनकम यानी जो मंसूबाबंदी की थी कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी होगी, वो आप निकालेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इजिक्वल और एस यू एम सम ब्रैकेट ओपन और ये इनकम वन और एक्स्ट्रा इनकम दोनों सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास टोटल मंथली इनकम जो हमारी प्रोजेक्टेड यानी मंसूबाबंदी हमने की थी कि इतनी होगी, वो इतनी हमने अभी कैलकुलेट की है। अच्छा, एक्चुअल मंथली इनकम जो हमारी एक्चुअली हुई मंथली इनकम, ठीक है जी, इनकम वन जो हमारे पास जॉब से हमने अर्निंग की, हमारे पास जॉब से जहाँ से भी एक्स वाई जेड आई, एक्स्ट्रा इनकम जो हमारे पास हुई वो दोनों हमने लिख दी, और फिर इसमें हमने टोटल मंथली इनकम में हमारे पास हमने ये फार्मूला लगाया इज इक्वल एस यू एम सम ब्रैकेट ओपन और ये इनकम वन और एक्स्ट्रा इनकम ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। ठीक है जी, तो हमने ये अपना कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास ये मंसूबाबंदी की थी, हमारे पास ये इनकम होगी और हमारे पास जो एक्चुअल हुई इस महीने की इनकम वो ये हुई है। अब हम ये मैंने शीट बनाई हुई है जो पूरे मंथ हमारे पास जो एक्सपेंस हुआ, हमारे पास जब हम बजट बनाते हैं जाहरी बात है तो उसमें तमाम एक्सपेंस जो हमारे पास हमने जो कमाया हमारे पास, अब वो जाहरी बात है कोई वाइफ बना रही है या हस्बैंड बना रहे हैं, घर का कोई भी फर्द ये मंथली बजट बना रहा है, तो जाहरी बात है पूरा अपने पास हिसाब किताब रखेगा कि ये हमारे पास पैसे आए और ये हमारे पास पूरे महीने मुख्तलिफ खर्चों में गए। तो सबसे पहले हमने ये जो बनाया हुआ है, देखिए चार्ट बनाया हुआ है मैंने और इसके ऊपर ये जो है ये अप्लाई किया हुआ है, ये देखिए मैंने, आप यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हाउसिंग यानी हाउसिंग का मैंने ये हेडिंग डाली हुई है कि हाउसिंग में जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है वो है रेंट। अब रेंट आप चाहे आप अपने घर की ही बात कर रहे हैं कि घर का रेंट है या किसी भी चीज़ का एक्स वाई जेड, आपने कोई चीज़ ली हुई है उसका रेंट जा रहा है, तो वो रेंट की हमने हेडिंग डाली हुई है। प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो आपने मंसूबाबंदी की थी वो आपने टाइप की कि भाई इतना रेंट जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट जो आपने रेंट पे किया किसी भी चीज़ का वो ये है, वो आपने ये भी मैंने जो है फर्जी टाइप किया है, आपने जो एक्चुअल देंगे वो टाइप कर लिया। डिफरेंस, डिफरेंस में आप क्या करेंगे, इज इक्वल सेलेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट और माइनस एक्चुअल कॉस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कॉलम छोटा है, या तो कॉलम का साइज बढ़ा दीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए इसकी पोजीशन क्या है, D12। ठीक है जी, तो ये हमने एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद देखिए मैंने यहाँ कॉलम का साइज बढ़ा दिया, अब इजीली फार्मूला लग जाएगा। मैंने यहाँ कॉलम का साइज बढ़ा के मैंने इज इक्वल और सिलेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट और माइनस सिलेक्ट एक्चुअल कॉस्ट और एंटर कर दिया। ठीक है जी, और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए दूसरा हमारे पास जो एक्सपेंस है वो
फोन का है कि फोन के आप जो है एक्सपेंस आपने कितना दिया, बिल्स वगैरह दिए, फोन पर जो एक्सपेंस जाते, देखिए बिल्स हो सकते हैं, फोन की रिपेयरिंग हो सकती है, फोन मोबाइल कार्ड्स हो सकते हैं। तो ये आपने जो फोन के लिए आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि आपने ये इतने पैसे रखे थे कि भाई आपके ये खर्च होंगे इसके लिए, और एक्चुअल जो आपके खर्च हुए वो और ज्यादा हो गए। जहरी बात है, फोन वगैरह आजकल जो है हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे फास्ट जरिया है, तो इस पे हमारे ज्यादा खर्च हो गए। एक्चुअल आपके ये पैसे खर्च हुए, वही आपने देखिए जैसे ही आप अमाउंट लिखते जाएंगे, क्योंकि यह फार्मूला आपने ड्रैग किया हुआ है, खुद ब खुद प्रोजेक्टेड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस होती जाएगी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह ये हम, या इलेक्ट्रिसिटी में जितना खर्चा हुआ वो आपने जो है यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट ये थी, एक्चुअल कॉस्ट आपकी ये चली गई, गैस के बिल पे ये आपके पास पैसे आपने रखे थे और एक्चुअल में इतना खर्चा हुआ, ये सब इसमें से माइनस होता जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट में से माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट ड्रैग कर दिए। ठीक है जी। इसी तरह वाटर एंड सेवरेज पे जो खर्चा हुआ आपका, जो खर्चा मतलब कि पानी के बिल पे गया, वो भी आपने, ये तमाम चीज़ें लिखते जाएंगे कि जो आपने मनसूबाबंदी की थी और एक्चुअल जितने पैसे आपके इसमें गए, केबिल वगैरह पे, वेस्ट रिमूवल पे, मेंटेनेंस पे, ये तमाम चीज़ें, सप्लाईज पे, ये देखिए तमाम ये वो खर्चे हैं जो आपके पूरे मंथ होते हैं। तो अगर अभी मैंने ये चीज़ें टाइप नहीं की, ये चीज़ें मतलब इनकी अमाउंट टाइप नहीं की है आपका, अगर आपके मंथली बजट में इस महीने ये तमाम चीज़ों पर भी खर्च हुआ है, तो आप जहरी बात है कि ये टाइप करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास, हमने जो शीट में हेडिंग बनाई है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, देखिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, उस पे आपका जो कन्वेंस का किराया खर्च हुआ या आपकी अपनी कन्वेंस है, तो लाजमी बात है कि उसमें भी आपकी जो है ना बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, कि उसकी मेंटेनेंस होती है, उस पे खर्चा होता है, उसके पेट्रोल का खर्चा होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ये एक शीट, मतलब कि ये एक कॉलम बनाया हुआ है, ये इसमें व्हीकल पेमेंट्स हैं और बस टैक्सी वगैरह का किराया है, इंश्योरेंस है, लाइसेंस है, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, वही चीज़ें ही देखिए कि अगर आप किराया खर्च करके कहीं जाते हैं या आपकी अपनी कन्वेंस है, तो इस पे जो जो आपके पैसे लगे एक्चुअल आपके ये लगे, और सॉरी प्रोजेक्ट आपके ये लगे और एक्चुअल ये लगे। अच्छा ये देखिए ऊपर का जो मैंने कॉलम आपको बताया है, ये तो मैंने खैर आपको बता दिया कि इसमें से ये माइनस करेंगे। अब एंड आपको क्या होगा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी आपको सम निकालना है, मतलब कि टोटल आपने मनसूबाबंदी की थी कि आपके इतने खर्च होंगे और एक्चुअल जो खर्च हुए और डिफरेंस आया, जो आपके पास पैसों का जो डिफरेंस है वो आया है, उसका भी सम निकालेंगे। तो सम कैसे, बहुत इजीली फॉर्मूला आप लगाएंगे, इज इक्वल एस यू एम सम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। अच्छा यहाँ इज इक्वल नहीं लगाया मैंने, पहले इज इक्वल लगाइए आप, ब्रैकेट ओपन, कॉलम सेलेक्ट किया पूरा हमने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। ठीक है जी। और एक्चुअल कॉस्ट में भी वही सम का फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्चुअल हमारे कितने पैसे खर्च हुए। अच्छा डिफरेंस कितना आया, इसमें भी वही सम का फार्मूला लगाएंगे कि इज इक्वल एस यू एम सम, और उसके पूरे कॉलम का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी। ये मैंने पहले से लगाया हुआ है फार्मूला, आपको लगाना भी बार बार बता दिया मैंने। अच्छा मैंने ट्रांसपोर्टेशन अभी आपको बताया है कि आपका किराया, आपका खर्चा, आपकी कन्वेंस, या आपके पास कोई पहले से आपकी मौजूद है कन्वेंस, उसका जो आपके पास से मेंटेनेंस जाती है, तमाम मैंने जो है ना हेडिंग्स डिफरेंस डाली हुई है। जो प्रोजेक्ट जैसे हमारे पास जो है पेमेंट गई हमारी कन्वेंस की, हमने जो मनसूबाबंदी की थी 250 की थी, और एक्चुअल कॉस्ट भी 250 खर्च हुई। अब डिफरेंस में क्या करेंगे, जाहिर बात है कि डिफरेंस में मैंने अभी आपको बताया है कि आप इज इक्वल करके प्रोजेक्ट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे हमारा एक्चुअल कॉस्ट और एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब ये तमाम चीज़ें इसकी हेडिंग्स हैं आपके पास, मेंटेनेंस, फ्यूल, लाइसेंस, जिस पे भी जो पेमेंट खर्च हुई है, आपका जो एक्सपेंस हुआ है, वो आप एक्चुअल और प्रोजेक्ट टाइप करके प्रोजेक्ट में से एक्चुअल, जब आप इसको ड्रैग करेंगे या फार्मूला लगा के, तो खुद ब खुद प्रोजेक्ट में से एक्चुअल माइनस होता जाएगा, और फिर आप यहाँ
टोटल कर लेंगे। किसका टोटल कर लेंगे? प्रोजेक्ट कॉस्ट का टोटल कर लेंगे सम लगाकर, और एक्चुअल कॉस्ट का टोटल कर लेंगे और डिफरेंस का टोटल कर लेंगे। इसी तरह इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस वगैरह अगर आपने करवाई भी है किसी भी चीज़ की, तो जहरी बात है कि आपके उसके भी मंथली पैसे जाते हैं। तो हमने यहाँ होम की, हेल्थ की, लाइफ की तमाम हेडिंग्स डाली हुई हैं कि एक्चुअल आपने मनसूबाबंदी की थी कि इतने आपके अमाउंट इस पर खर्च होगी, सॉरी प्रोजेक्ट आपने मनसूबाबंदी की थी कि इतनी अमाउंट खर्च होगी और एक्चुअल आपकी ये खर्च हुई, और डिफरेंस में क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे। ये मैंने इसमें जो है अमाउंट टाइप नहीं की हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने हेडिंग्स टाइप की हुई है। इसके अलावा पेट्स हैं, मतलब पालतू जानवर वगैरह पे आपने फूड, मेडिकल, ग्रूमिंग मतलब के टॉयस, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके जो खर्च हुई उस पर जो है ना आपके जो शौक्स हैं, इसको कहते हैं कि आपके जो एक्स्ट्रा शौक्स हैं आपने फूड वगैरह पे, मेडिकल्स वगैरह पे, अब चाहे जानवरों पे गया हो या टॉयस वगैरह पे, ये तमाम चीज़ें हैं कि आपने इसके लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये पैसे आपने सोचे हुए थे और एक्चुअल ये खर्च हुए और डिफरेंस ये हुआ। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपके अपने मेडिकल पे देखिए, ये तो आपके पेट्स वगैरह पालतू जानवर वगैरह के एक्चुअली हो गया। अब आपके अपने मेडिकल पे जो आपने खर्च किया, आपके जो है दवाइयों पे, कपड़े वगैरह आपने मंथली खरीदे, ड्राई क्लीनिंग को पैसे गए, हेल्थ क्लब को पैसे गए, ऑर्गेनाइजेशन ड्यूस और फीस हैं, अदर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मंथली आपके बजट में से आप एक्सपेंस करते हैं, उसमें से जो आपका आपके खर्च हुए हैं इन हेडिंग पे से जो अमाउंट, वो आप यहाँ एक्चुअल में टाइप करेंगे और प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी जो मनसूबाबंदी की थी और डिफरेंस में आप माइनस कर देंगे और यहाँ इसका सम लगा के टोटल कर देंगे। ठीक है जी। अब इधर हमने देखिए प्रोजेक्टेड बैलेंस, प्रोजेक्टेड इनकम एक्सपेंसेस। अब देखिए इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल, हमारे पास देखिए हमने इसमें क्या किया है। अच्छा देखिए, ये तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रही आपको कि मैंने जो है एक्चुअल हमारे पास प्रोजेक्ट मंथली, प्रोजेक्टेड मंथली इनकम और हमारे पास जो एक्चुअल मंथली इनकम हुई है वो तो हमने बनानी है, लेकिन हमारे पास अभी जो टोटल्स कॉलम, जो टोटल पूरे महीने हमारा एक्सपेंस हुआ है वो आपको मैंने जो है पूरा नहीं समझाया है, पूरा ना हमने कैलकुलेट किया है, तो इसलिए इसमें से सारी बातें माइनस होगा। तो इसलिए अभी हम ये वाले जो है कॉलम समझते हैं, उसके बाद ये एंड में ये हम बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इंटरटेनमेंट का हमने एक और कॉलम बनाया हुआ है, एक कॉलम के हमने वीडियो वगैरह पे, डीवीडी वगैरह पे जो पैसे खर्च किए, सीडीज हैं, मूवी है, कंसर्ट्स हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, लाइफ ट्रीटमेंट है, लाइफ जो भी आपको जो है मतलब कि आपने एक्सपेंस किया इसके ऊपर, तो वो जो है आप इधर टाइप कर देंगे कि आपने क्या इंटरटेनमेंट किया, कहीं आउटिंग पे चले गए, या जो भी आपके इस महीने के आपने जो बजट बना रहे, इस महीने जो आपने एंटरटेनमेंट पे खर्च किए हैं वो आप यहाँ जो आपने मनसूबाबंदी की थी और एक्चुअल जो खर्च हुए वो आप यहाँ टाइप कर देंगे, और फिर इसमें से इसको माइनस करके इन तीनों का अलग अलग सम निकाल देंगे। ठीक है जी। अब लोन से, अगर आपने कोई लोन्स पे घर में चीज़ ली हुई है तो लोन्स कितना जाएगा, स्टूडेंट्स का, क्रेडिट कार्ड का, जिस चीज़ का भी लोन्स जाता है, या कोई ज़मीन ली हुई है उसका लोन जाता है, या कुछ भी आपको जो है ना जो आपने लोन पे चीज़ ली हुई है वो आपके जो लोन जाते हैं वो टाइप कर लिया आपने। इसके अलावा टैक्सेस है, आपके किसी चीज़ के टैक्स वगैरह पे हुए, घर का, गाड़ी का, इसके अलावा कोई भी आपकी जो मिल्कियत है उसके जो टैक्स गए वो आपने यहाँ, मैंने ये कॉलम जो है ना टाइप किया हुआ है। इसके अलावा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कहीं करते हैं तो उसमें भी जाहिर बात है कि आपके पैसे जो है ना जाएंगे, तो रिटायरमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी आपका वही है कि आप फिर जो है ना कितनी जो है ना आपने जो है मनसूबाबंदी की, कितना एक्चुअल खर्च हुआ तो वो मैंने टाइप किया हुआ है। अगर नहीं किया है इस पे तो ये कॉलम मैंने आपको समझाने के लिए टाइप किया है। गिफ्ट्स एंड डोनेशन, अगर आप किसी को गिफ्ट दिया, आपने डोनेशन दिया किसी को, चैरिटी वगैरह को, या कुछ भी किया, तो ये इसमें आएगा, आप इसमें ये टाइप कर सकते हैं। लीगल अटॉर्नी, अगर आप कोई किसी को, आप कोई केस वगैरह चल रहा है उसमें आपको वकील वगैरह की फीस देनी है, या किसी भी तरीके से यानी ये कानूनी मामलात वगैरह में अगर आपके कहीं पैसे जा रहे हैं तो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने तकरीबन कोशिश की है कि सारी हेडिंग्स जो मंथली बजट बनाने के लिए खर्चे में हमारी आई हैं वो मैंने टाइप कर दी हैं। अब
टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट, मतलब कि हमने टोटल जो मनसूबाबंदी की थी पूरे मंथ की, उसका टोटल ये हुआ जो हमने ये हेडिंग्स डाली हुई हैं, और एक्चुअल कॉस्ट जो हमारे पास एक्चुअल खर्च हुआ पूरे महीने वो ये हुआ। तो टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट में हम फार्मूला लगाएंगे, और वो क्या फार्मूला लगाएंगे वो देखिए, हम इधर से इज इक्वल लगाकर और सारा ये जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है इसका हम टोटल करते जाएंगे। देखिए ये सिलेक्ट किया मैंने और प्लस कर दिया। किसका ये प्लस है? हाउसिंग के प्रोजेक्टेड कॉस्ट का प्लस है। फिर हाउसिंग का कर लिया मैंने, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्टेड कॉस्ट को सिलेक्ट किया, सम प्लस किया। फिर इंश्योरेंस के प्रोजेक्टेड कॉस्ट को का सम सिलेक्ट किया, प्लस फूड का प्रोजेक्टेड कॉस्ट सिलेक्ट किया, प्लस किया। पैट्स सिलेक्ट किया, प्लस किया। अच्छा, पर्सनल केयर प्रोजेक्टेड कॉस्ट सिलेक्ट किया, प्लस किया। अच्छा, फिर इसके अलावा इन हेडिंग्स पर आ गए हम, इसमें इंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट कॉस्ट सेलेक्ट किया, प्लस किया जो टोटल है इसका। अच्छा, लोन्स का प्रोजेक्टेड कॉस्ट सेलेक्ट किया, प्लस किया। टैक्सेस सेलेक्ट किया, प्लस किया। सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स सेलेक्ट किया, प्लस किया। गिफ्ट्स एंड डोनेशन का सेलेक्ट किया, प्लस किया। लीगल सेलेक्ट किया। अच्छा, ये एंड है तो अब हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे और एंटर कर देंगे। आपको पता है कि एंड में हम साइन नहीं लगाते, एंटर करते हैं। तो हमारे पास ये टोटल आ गया, टोटल जो आपने मनसूबाबंदी की थी कि पूरे महीने का आपका जो एक्सपेंस होगा वो इतना होगा, और एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल। पहले हमने प्रोजेक्टेड कॉस्ट का सम सब जगह से सारी हेडिंग्स का प्रोजेक्टेड कॉस्ट सिलेक्ट किया था, और अब क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का सम सिलेक्ट करेंगे। हाउसिंग का हमने जो है एक्चुअल कॉस्ट सिलेक्ट किया, प्लस किया। ट्रांसपोर्टेशन का सिलेक्ट किया, प्लस। इंश्योरेंस का एक्चुअल कॉस्ट का जो टोटल है वो सिलेक्ट किया, प्लस किया। फूड सिलेक्ट किया, प्लस किया। पैट्स सिलेक्ट किया, प्लस किया। पर्सनल केयर सिलेक्ट किया, प्लस किया। सिलेक्ट किया, प्लस। सिलेक्ट, प्लस। सबका एक्चुअल कॉस्ट का सम सिलेक्ट कर लेंगे और प्लस कर देंगे। लास्ट वाला भी इसका टोटल सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। ठीक है जी, अब टोटल डिफरेंस हम निकालेंगे कि मनसूबाबंदी ये की थी, खर्च हमारा पूरे महीने ये हो गया, तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इज इक्वल सिलेक्ट प्रोजेक्टेड कॉस्ट और माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और एंटर कर दिया हमने। अब उसके बाद एंड ऑफ द मंथ, अब हम जहरी बात है कि हम अपना मंथली बजट बना रहे हैं, पर्सनल मंथली बजट। तो हमने पूरी टोटल जो हमारे पास अमाउंट थी वो हम जो है उसका जो है टोटल हमारे पास जो खर्चा हुआ, मतलब कि टोटल हमने जो मनसूबाबंदी की और टोटल हमारे पास जो खर्चा हुआ उसका हम जो है टोटल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्रोजेक्टेड बैलेंस, प्रोजेक्टेड इनकम माइनस एक्सपेंसेस। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इज इक्वल लगाया हमने, और इज इक्वल लगाने के बाद हमने क्या किया कि इज इक्वल
और सिलेक्ट किया हमने ये प्रोजेक्टेड मंथली, जो टोटल मंथली इनकम है, प्रोजेक्टेड टोटल मंथली इनकम, इसका जो सम था इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। और इसमें से हमने माइनस कर दिया, ये देखिए ये जो टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट आ रही है, मतलब कि हमने मनसूबाबंदी वो की थी और हमारे पास जो टोटल एक्चुअली जो है, हमने पूरे एक्सपेंसेस का जो है ना, जो खर्च का जो टोटल आया है वो इतना आया, एंटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक्चुअल बैलेंस में भी हम यही करेंगे कि इज इक्वल, और सिलेक्ट करेंगे एक्चुअल मंथली, जो टोटल मंथली इनकम का टोटल है वो सिलेक्ट कर लिया, और अब इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, ये टोटल एक्चुअली कॉस्ट जो हमारे पास हुई, ठीक है, और एंटर कर दिया, ठीक है जी। और अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, के इज इक्वल टोटल, ये जो है सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट बैलेंस, प्रोजेक्टेड बैलेंस, और माइनस कर देंगे इसमें से, एक्चुअल बैलेंस। तो हमारे पास जो एक्चुअल माइनस प्रोजेक्टेड जो हमारे पास डिफरेंस आया वो 20 रुपीज़ का डिफरेंस आया है, कि मतलब कि 20 रुपीज़ हमारे पास डिफरेंस में, बैलेंस में हमारे पास बचे हैं। अच्छा, ये तो हमारी फर्जी अमाउंट थी, जब आप रियल में बनाएंगे तो जाहिर बात है कि आपने जो मनसूबाबंदी की थी पूरे महीने के बजट की, और एक्चुअल जो आपके पास खर्च हुए और जो आपके पास बचे वो ये अमाउंट होगी, कि ये आपके पास ये सेविंग हुई है पूरे मंथ में, ये अमाउंट होगी, ठीक है जी। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास, सो यू कैन आस्क इन कमेंट। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।